जंगल के दो महाशिकारी, एक टाइगर तो दूसरा ब्लैक पैंथर, जिनके शिकार करने का तरीका भी ऐसा कि उसकी दहशत से पूरा का पूरा जंगल कांपता है। जहां एक ओर टाइगर अपनी खतरनाक हंटिंग स्किल्स की वजह से पलक झपकते ही किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार देता है, तो वही दूसरी ओर ब्लैक पैंथर अपनी जबरदस्त बाइट फोर्स की वजह से पल भर में ही अपने शिकार का पोस्टमार्टम कर डालता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब जंगल के ये दोनों महादानव आपस में भिड़ेंगे तो इसका अंजाम आखिर क्या होगा? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे इन दोनों खतरनाक शिकारियों की ताकत और हंटिंग स्किल्स के तमाम पहलुओं से। साथ ही हम दिखाएंगे कि जब इन दोनों जबरदस्त शिकारियों के बीच भीषण टक्कर होगी तो इसका नतीजा आखिर क्या होगा। दोस्तों, शिकार के मामले में रात का शहंशाह कहे जाने वाले ब्लैक पैंथर और अपनी खतरनाक दहाड़ से पूरे जंगल को हिला देने वाले टाइगर के बीच अगर कांटे की टक्कर होती है तो इस टक्कर में किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज और किसकी होगी मिट्टी पलीद, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इन दोनों खतरनाक जानवरों की हंटिंग स्किल्स और ताकत से जुड़ी कुछ मजेदार बातों के बारे में। अगर हम बात करें टाइगर की, तो बिल्लियों की प्रजाति का ये ताकतवर जानवर शिकार के लिए जंगल की रणभूमि में किसी योद्धा की तरह अकेला ही उतरता है। इनके सामने छोटे मोटे जानवरों की क्या मजाल, बल्कि इनकी मौजूदगी से ही बड़े से बड़े और शक्तिशाली जानवरों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इनकी कमाल की फुर्ती, बेहिसाब ताकत और स्टैमिना इन्हें एनिमल किंगडम के तमाम शिकारी जानवरों में सबसे खतरनाक बनाती है। यही कारण है कि जब भी ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं तो इनके छुरी जैसे नुकीले दांत और मजबूत पंजों के वार से बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। वही बात करें ब्लैक पैंथर की, तो काली रात के अंधेरे में घात लगाकर अपने शिकार के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करने में इन्हें महारत हासिल होती है। ऐसे में इन खतरनाक शिकारियों को रात का शहंशाह कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने नाम की तरह ही इनके शरीर का ये काला रंग रात के अंधेरे में गुम होकर शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। रात के अंधेरे में जब ये झाड़ियों या पत्थरों के पीछे अपने शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठते हैं तो इन्हें देख पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता, और जब अंधेरे को चीरते हुए ये अपने शिकार के ऊपर बिजली की रफ्तार से अटैक करते हैं तो इनके वार से शिकार का काम तमाम होना बिल्कुल तय हो जाता है। चलिए जानते हैं इनके आकार और वजन के बारे में। एक ब्लैक पैंथर की लगभग 65 इंचेस लंबी पूंछ के साथ इनकी कुल लंबाई लगभग 1.8 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 115 किलोग्राम तक होता है। वही अगर बात करें टाइगर की, तो एक बंगाल टाइगर की 60 से 110 सेंटीमीटर लंबी पूंछ के साथ इनकी कुल लंबाई लगभग 2.7 मीटर से 3.1 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 260 किलो तक हो सकता है। हालांकि साइबेरियन टाइगर को इस दुनिया के सबसे बड़े बाघों में से एक माना जाता है, और एक साइबेरियन टाइगर की कुल लंबाई लगभग 3.3 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 310 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वजन और लंबाई के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर के ऊपर भारी पड़ेगा। वही अगर बात करें इन दोनों शिकारियों की स्पीड की, तो एक बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही रफ्तार इन खतरनाक जानवरों को शिकार करने में काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि जब टाइगर किसी छोटे मोटे जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए उनका पीछा करता है तो बाघ की रफ्तार के सामने शिकार के कदम मानो लड़खड़ाने लगते हैं। टाइगर के वार से उन जानवरों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, लेकिन वही दूसरी ओर एक ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये रफ्तार शिकार का पीछा करने या किसी मुसीबत के समय में अपनी जान बचाकर भागने में काफी मददगार साबित होती है। अपनी तेज रफ्तार की वजह से टाइगर की तुलना में ये ब्लैक पैंथर कहीं आगे होते हैं। इसके बाद अगर बात करें जंगल के इन दो महादानव की हंटिंग स्किल्स की, तो आम तौर पर ब्लैक पैंथर अक्सर काली घनेरी रात में ही अपने शिकार की तलाश करते हैं, क्योंकि इनका काला रंग रात के अंधेरे में छुपने में अधिक मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये बिना आहट दिए दबे पाव चलने में काफी एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी जानवर को अपने आसपास इनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो पाता है। और ऐसे में जब ये ब्लैक पैंथर छुपकर किसी जानवर के ऊपर हमला करते हैं तो उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता है, जिसके बाद ये शातिर ब्लैक पैंथर अपने शिकार की गर्दन पर जबरदस्त वार करके उसका काम तमाम कर देते हैं और अपने लिए डिनर का इंतजाम भी कर लेते हैं।
इतना ही नहीं, उनकी हंटिंग स्किल्स में एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ जाते हैं। इन पेड़ों पर घात लगाकर ये तब तक अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं जब तक कि कोई जानवर उस पेड़ के नीचे नहीं आ जाता, और जैसे ही कोई जानवर उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, ये बिना देर किए सीधा उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ब्लैक पैंथर की इस खतरनाक हंटिंग स्किल के सामने उन जानवरों के पास इनका निवाला बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वही अगर बात करें, टाइगर की हंटिंग स्किल इतनी खतरनाक होती है कि इसके चंगुल में आया कोई भी शिकार पानी तक नहीं मांगता है। जब ये किसी जानवर पर हमला करते हैं तो इनके 7.6 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत उसके गर्दन में ड्रिल करने के लिए काफी होते हैं। इतना ही नहीं, इनके मजबूत पंजे के अंदर छुपे चाकू के नोक जैसे नुकीले नाखून किसी भी जानवर के शरीर को चीर सकते हैं। ये बाघ इतने शातिर होते हैं कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने से पहले ये लगभग आधे घंटे तक उसके ऊपर किसी बगुले की तरह टकटकी लगाए रखते हैं और उसकी हर एक हरकत पर पैनी निगाहें भी बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक पैंथर की तरह ये बिना आहट किए धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं और इतनी फुर्ती से उसके ऊपर अटैक करते हैं कि बेचारे उस जानवर को कुछ समझ आए उससे पहले ही ये खूंखार शिकारी अपने शिकार की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से दबोच लेता है, जिसके बाद उस जानवर का राम नाम सत्य होने से भला कौन बचा सकता है। अगर बात करें इन दोनों शिकारियों के ताकत की, तो आपको बताते चले कि एक ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल अपने शिकार का पीछा करने के लिए करता है। इतना ही नहीं, इनका शरीर इतना फुर्तीला होता है कि अपने शिकार का पीछा करते समय एक बार में ये 10 फीट की ऊंचाई तक बड़े ही आराम से छलांग लगा सकते हैं और 20 फीट की दूरी को एक छलांग में कवर कर सकते हैं। इनकी यही स्पीड इन्हें बेहतरीन शिकारियों में से एक बनाती है। ब्लैक पैंथर्स अपने शिकार को दबोचने में 1350 PSI बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर ये खतरनाक शिकारी किसी जानवर को दबोच ले तो उस जानवर को मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। वही अगर टाइगर की ताकत की बात करें तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अपने शिकार का पीछा करते समय ये एक बार में करीब 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जबकि एक ही छलांग में ये 20 से 30 फीट की दूरी को बड़े ही आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसमें इनके दोनों पिछले पैर काफी मददगार साबित होते हैं। इनके दोनों पिछले पैर इनके अगले दोनों पैरों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, जो इनको दौड़ने और छलांग लगाने में मजबूती और बेहतरीन ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, अपने शिकार पर हमला करते समय ये अपने मजबूत पंजों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही अपने शिकार को दबोचने में 1050 PSI का बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरकार अब बारी आती है ये जानने की कि जब जंगल के दो खतरनाक शिकारी टाइगर और ब्लैक पैंथर के बीच कांटे की टक्कर होगी तो आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ेगा और इस घमासान में किसकी होगी जीत। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इसके लिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि इन दोनों शिकारियों के बीच ये घमासान दिन में होता है या रात में, क्योंकि अगर इन दोनों की ये लड़ाई दिन में होती है तो ऐसे में बाघ का पलड़ा भारी होना लगभग तय होता है, क्योंकि इनके नुकीले दांत, मजबूत पंजे और ताकतवर शरीर ब्लैक पैंथर के गर्दन में छेद करने के साथ साथ इनके शरीर को चीर कर परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होते हैं। हालांकि ब्लैक पैंथर की बाइट फोर्स और रफ्तार टाइगर के तुलना में अधिक होती है, लेकिन बावजूद इसके टाइगर ऐसे खतरनाक और जिद्दी जानवर होते हैं जो आसानी से हार नहीं मानते। ऐसे में ब्लैक पैंथर के लिए खतरे की घंटी बजना लगभग तय होती है। वही अगर ये लड़ाई रात के समय में होती है तो ऐसे में टाइगर के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि ब्लैक पैंथर रात के समय में शिकार के मामले में काफी एक्टिव होते हैं और रात के अंधेरे में शिकार करना इन्हें काफी पसंद होता है, क्योंकि इनके शरीर का काला रंग रात के अंधेरे में कुछ इस कदर घुल मिल जाता है कि बाघ के लिए इन्हें देख पाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में ये ब्लैक पैंथर अपनी बेहतरीन बाइट फोर्स की मदद से बाघ के ऊपर जोरदार हमला कर सकते हैं और इन्हें शिकस्त देने की पुरजोर कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि बाघ और ब्लैक पैंथर की इस घमासान में हमारी तरफ से तो टाइगर के सर पर जीत का ताज सजने की अधिक संभावना है, लेकिन आप इस लड़ाई के रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।